दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस। आज सिट्रॉन ने अपनी ऑल न्यू 7-सीटर SUV हमारे सामने पेश करी है। कंपटीशन की बात की जाए तो हुंडई क्रेटा और हुंडई अल्काज़ार, ये दोनों ही गाड़ियां इससे कम्पीट करेगी। क्या कुछ इसमें मिलने वाला है? सबसे खास बात है कि इस गाड़ी में बजट को देख के सब कुछ दिया गया है। प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी माना जा रहा है कि ये गाड़ी 9 से लेकर 10 लाख रुपए ऑन रोड में आपको आ सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि 7-सीटर का ऑप्शन भी दिखाया गया है। क्या कुछ रहने वाला है, कैसा डिज़ाइन है, सब कुछ आपको समझाता हूँ। फ्रंट से आप देखेंगे आपको सिट्रॉन की सबसे नई डिज़ाइन फिलोसफी जो ग्लोबली ये सेल कर रहे हैं आपके सामने पेश की गई है। इसमें जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है CQ प्लेटफॉर्म है। इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो 1.2 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको केवल मैनुअल का ऑप्शन दिया जाएगा। 110 हॉर्स पावर और 190 Nm का टॉर्क। गाड़ी की सबसे बड़ी USP है उसका साइज, 4.3 मीटर की पूरी लंबाई रहने वाली है। उसके अलावा जो 17 इंच के आप अलॉय देख रहे हैं वो भी मुझे सही लगे, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, कहीं ना कहीं टाटा हैरियर और XUV700 के लेवल का ये चीज़ दी गई है। फ्रंट में जो सबसे बड़ा मिस आउट है, आपको कोई भी LED का ऑप्शन नहीं है। आपको टर्न इंडिकेटर जो मिलेंगे वो बेसिक है, लेकिन कुछ DRL दिए गए, लेकिन फिर भी फ्रंट का लुक काफ़ी अपीलिंग और काफ़ी सही लगता है। कुछ पियानो एलिमेंट्स दिए गए, साथ में ही आपको सिटोन का लोगो, अगर आप देखेंगे थोड़े से बोनेट में क्रेजेस वो आपके सामने रखे गए। विंडशील्ड का साइज़ नॉर्मल लगेगा आपको। अब यहाँ से देखिए गाड़ी का जो पूरा डिज़ाइन आपके सामने आने वाला है, किस प्रकार आपको पूरी गाड़ी मिलेगी। सनरूफ सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है। फ्रंट में ही आपको यहाँ पे डिस्क ऑप्शन मिलेगा। आप देखिए क्लैडिंग का पार्ट इस प्रकार मिलेगा। आप देखिए ना, इससे पहले हमने सिटोविन की C3 देखी है, लगभग बेस मॉडल आपको 7 लाख में मिलता है, लेकिन उसमें टर्बो नहीं मिलेगा बेस में, उसमें आपको नॉन टर्बो इंजन मिलेगा। और टर्बो लेना है तो 9 से लेकर 10 लाख की रेंज में गाड़ी रहती है। इस गाड़ी में जो कॉस्ट कटिंग है वो आपके सामने है, तो ये सारे जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये सारी कॉस्ट कटिंग का पार्ट है। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी और जो स्पेस पीछे देख रहे हैं आप, हर कोई इसी चीज़ को चेक कर रहा है कि स्पेस कितनी दी गई है। बैग रख के भी चेक कर लिया है, सब कुछ चीज़ों से ना एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी एक तरीके से चेक हो रही है गाड़ी की। ये चीज़ थोड़ा कॉस्ट कटिंग में आपके नोटिस में आ सकती है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि जिसका बजट 9 से लेकर 10 लाख का है उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। और क्रेटा जो आपको 12 लाख में देती है, उससे अगर 1 लाख कम में भी ये गाड़ी अपने साइज़ के साथ आए तो सही सा ऑप्शन है। अब क्रेटा में आपको जो नया इंजन है 1.5 टर्बो पेट्रोल, जो कि आपको 160 हॉर्स पावर और करीब 250 Nm के आसपास का टॉर्क देता है, तो वो चीज़ एक अलग मामला है। लेकिन फिर ये अपने साइज़ के हिसाब से ये चीज़ देगी, वो चला के बता दूंगा आपको। अंदर का डैशबोर्ड देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा रेट्रो भी लगेगा, और सही सा है। इस साइड देखेंगे प्लास्टिक का क्वालिटी सही है, इस साइड देखेंगे बेसिक बेज है। आपको पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ मिलेंगे, लेकिन इनमें भी कॉस्ट कटिंग है। कुछ स्पेस यहाँ है, नीचे क्लैडिंग का पार्ट आप यहाँ देखेंगे। PSA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की आप यहाँ पर नेम प्लेट देखेंगे, तो ये PSA ग्रुप की गाड़ी है। आप देख रहे हैं अंदर, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे लेदरेट का ऑप्शन। कॉस्ट कटिंग के लिए आपको सिंगल यहाँ पर आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। पीछे आपको इंग्रेस इग्रेस के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है इसमें, बाकी सीटों को फोल्ड करके पीछे जाना है आगे जाना है सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको सारे AC वेंट मिलेंगे। कुछ आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, मास्टर स्विच आपको यहाँ दिया गया है, जो कि इसके पावर विंडो के लिए लाइट्स भी कंट्रोल, मतलब ना जो क्वालिटी यहाँ यूज़ की गई है, कहीं ना कहीं जो गाड़ी इंडिया में 7 से लेकर 8 लाख की रेंज में ट्राइबल आपने देखी थी, उसी से थोड़ा सा अपग्रेड आपको लगेगा। और यहाँ पर देखिए क्या इसका पूरा लुक मिलता है। फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड किस प्रकार मिलेगा, आगे का पूरा जो आप एक तरीके से ना बल्जेस देख रहे हैं बॉनेट के वो दिखेंगे। ये देख रहे हैं बड़ी सी स्क्रीन, 9 से लेकर 10 इंच के आसपास की इसकी साइज़ है। गाड़ी का साइज़ है 4.3 मीटर का। इंजन आपको सिर्फ 1.2 टर्बो पेट्रोल मिलेगा, जो कि 110 हॉर्स पावर और करीब 190 Nm का टॉर्क देगा। और टॉर्क लगभग आपको एक तरीके से ना ब्रेजा जो पहले डीजल आती थी उसी के आसपास है, लेकिन पावर अच्छी है इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे कुछ आपको डिजिटल डिस्प्ले, सिटोविन का लोगो, कुछ आपको कंट्रोल, कुछ कंट्रोल यहाँ सिर्फ आपको टिल्ट के फंक्शन के साथ ही गाड़ी आती है। सिल्वर यहाँ पर आपको हाईलाइट्स, आपको यहाँ पर डिकर स्टीयरिंग व्हील, मैनुअल AC और ये कुछ इसके सारे कंट्रोल मिलेंगे। सेफ्टी सेंस में आपको डुअल एयरबैग ABS EBD यही रहेगा, 6 एयरबैग का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा जो ए पिलर है इसमें कुछ ट्विटर का ऑप्शन, ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी इस साइड एक और चीज़ देखिए, कॉस्ट कटिंग अगेन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ये चीज़ आपको मिरर के साथ दी गई है। डे नाइट फंक्शन आपको ये दिया गया है। इसमें आपको जो टर्बो इंजन मिलता है वो सिर्फ अभी मैनुअल के साथ मिलेगा स्टार्टिंग में, बाद में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन है। गाड़ी हाईवे में चलेगी तो सही सी चीज़ है, बाकी यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, सही है। और आर्मरेस्ट आपको सिंगल यहाँ दिया गया, हैंड ब्रेक आप यहाँ देखेंगे। अपना हेडरूम शोल्डर रूम देखना है इस प्रकार आपको दिखता हुआ मिलेगा। थोड़ा अगर आपको वाइड एंगल में दिखाया जाए तो ये है अपना यहाँ से हेडरूम, ये है शोल्डर रूम। स्पेस वाइज गाड़ी क्रेटा से थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, उसको सीधे कॉम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन प्राइसिंग सेंस में जो क्रेटा है उसको बिल्कुल अंडरकट करेगी गाड़ी। नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको अंडर सपोर्ट, जो कि मुझे बढ़िया लगा है, थोड़ी सी लंबी सीटें रखी गई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आर्टिगा में आपको मिलती है MPV सेगमेंट में, वो चीज़ है इसके साथ यहाँ पर भी है। अभी इंडिया को ना, अभी इस गाड़ी को
स्पेशली इंडिया के लिए डेडिकेट करके बनाई है। 90% इसका जो एक तरीके से लोकलाइजेशन है इंडिया में ही रखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी को कहीं से उठा के इंडिया में लॉन्च किया गया है, तो रिलायबिलिटी भी सही रहेगी और कॉस्ट भी सही से मैनेज हो जाएगी। और उसके अलावा जो इनकी एक और आती है C3 Aircross जो कि UK की मार्केट में रहती है, उसका साइज़ इससे कम है, तो इंडिया में हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए वो दिया गया, लेकिन क्वालिटी बहुत कम हो गई है उसके मुकाबले। वो जो गाड़ी मैंने देखी हुई है उसकी क्वालिटी से बहुत ऊपर है C5 Aircross के लेवल की है। और ये चीज़ आप पीछे का जो टेलगेट है वो ओपन होगा दिखेगा, बाकी ये चीज़ मैं देख रहा हूँ थोड़ा फ्लिमजी है, बाद में एक्सेसरी आगे बहुत ही चीज़ इसमें मिल सकती है। और 12 वोल्ट का सॉकेट, USB का ऑप्शन और डोर थर्ड भी देख लीजिए, अंकित जी ने हमें डोर थर्ड की याद दिलाई, तो ये हमें यहाँ पर डोर थर्ड मिल जाता है। आपको दिखाते हैं इसके इंजन बे में क्या क्या मिल जाएगा आपको। एक चीज़ और मिस आउट है, कोई भी डेड पेडल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बेसिक से आपको क्लच ब्रेक और एक्सेलेटर का ऑप्शन है, कोई भी मेटेलिक यहाँ पर फिनिश भी नहीं दी गई है। फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वो भी दिखा देंगे, बाकी ये चीज़ आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन के साथ और इस तरीके का पूरा कैबिन आप नोटिस करेंगे। और ऊपर देख रहे हो तो कोई भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं रहेगा गाड़ी के साथ। और इस प्रकार जो इंजन बे है वो आप एक बार देख लीजिए गाड़ी को, इसमें आपको टर्बो का ऑप्शन मिलेगा, सेम इंजन आपको C3 के साथ मिलता है जो कि 9 से लेकर 10 लाख की रेंज में रहता है, लेकिन ये गाड़ी टर्बो के साथ आ रही है फिर भी उसी प्राइसिंग के साथ रहेगी, क्योंकि इसके बेस मॉडल में भी आपको टर्बो मिलेगा, C3 के साथ वो चीज़ नहीं होती है, बेस में टर्बो नहीं देते हैं। यहाँ पर ये इसका 1.2 पेट्रोल रहेगा, टर्बो 3 सिलेंडर रहेगा और टर्बो चार्ज है, पावर है इसकी 110 हॉर्स पावर, 190 Nm का टॉर्क। कहीं ना कहीं एक तरीके से साइज सही है साइज़ के हिसाब से। गाड़ी का वजन कितना होगा वो फाइनल तरीके से देखेंगे, 1200 से लेके 1400 केजी के आसपास के इस गाड़ी का वजन रहेगा, लेकिन फिर भी 110 हॉर्स पावर और 190 Nm के साथ ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, चला के देख लेंगे। टर्बोचार्जर यहाँ प्लेस किया गया, ये इसका 3 सिलेंडर का इंजन है, PSA ग्रुप का इंजन है, बाकी गाड़ी में भी आ चुका है, C3 में आप देख चुके हैं इंडिया में। इसके अलावा प्यूजो भी इस गाड़ी को एक तरीके से इस इंजन को यूज़ करता है इंटरनेशनली। ये आप इसका ब्रेक बूस्टर देख रहे हैं, माउंटिंग देख रहे हैं, बेसिक कूलेंट आप देखेंगे, नीचे देखेंगे कॉस्ट कटिंग के नाम पे प्रॉपर आपको ओपन मिलेगा, कोई भी कवरिंग नहीं मिलेगी, बैटरी का साइज बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, हुड इंसुलेटर आप यहाँ पर देखेंगे, जो बॉनेट आप देख रहे हैं ये भी आपको नॉर्मल वेट के साथ मिलेगा, ज़्यादा हैवी नहीं रखा गया है, नॉर्मल सा है, लेकिन जो इसका प्लेटफॉर्म है ये CQ प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, C3 में आ चुका है, सेफ्टी रेपुटेशन के हिसाब से प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है, CQ इसको कहा जाता है। तो ये रहा इसका इंजन जो कि 1200 cc के सेगमेंट का है, 3 सिलेंडर रहने वाला है, 110 हॉर्स पावर, 190 Nm का टॉर्क, कोई भी नॉन टर्बो का इंजन अभी नहीं शोकेस किया गया है, 6 स्पीड के मैनुअल का ऑप्शन। और साथ ही एक मिस आउट इसमें रह सकता है कि इसमें आपको अभी ऑटोमेटिक का ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं है, बाद में थोड़ी गाड़ी अगर बिकेंगी तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको, अभी कुछ नहीं है ऑटोमेटिक, C3 में भी ऑटोमेटिक नहीं है, तो मुश्किल ही लग रहा है कि ऑटोमेटिक है, सिर्फ मैनुअल है 6 स्पीड का। ये चीज़ आपने देखी, टर्बो रहने वाला है सब कुछ। अब देखिए ये आपने देखा इसका इंजन बे किस प्रकार मिलने वाला है, लाइटिंग सेटअप में आपने देख लिया कि जो फॉग लैंप और ये चीज़ें प्रॉपर रखी गई है, बस जो लाइटिंग LED के साथ आनी चाहिए थी वो मिस कर गई गाड़ी। यहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी आपको जो व्हील्स मिलेंगे 17 इंच के मिलते हैं, 21560 रेडियल 17 के टायर मिलेंगे, आगे डिस्क ब्रेक है, सस्पेंशन ट्रैवल नॉर्मल रखा गया है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, थोड़े इससे और बड़े होते तो और ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर सकती थी ये गाड़ी, इससे सस्पेंशन का आर्टिकुलेशन और बढ़िया हो सकता था। अब देखिए साथ में आप बात करेंगे डोर में वेट कितना है, तो डोर में वेट नॉर्मल मिलेगा, प्लेटफॉर्म जो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर CQ प्लेटफॉर्म है, सी का मतलब सिटी ऑन है और क्यूब का मतलब ऐसा है कि 3-4 गाड़ियाँ इनकी इस प्लेटफॉर्म में आने वाली है, तो एक तरह से मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है और एक दूसरी गाड़ी से इंटरलिंक्ड है, किस तरीके से क्या सेफ्टी आगे देख लेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे लेदरेट फंक्शन है और थोड़ी चीज़ें फिट और फिनिश में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर ला सकती है सिटीवन। इस साइड देखेंगे पियानो फिनिश इस तरीके से, यहाँ पर आपको थोड़ा बेस का कॉम्बिनेशन, स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ पर रखा गया है, बाकी गाड़ी साइज़ वाइज सही लगेगी आपको। अब दोस्तों देखिए फाइनली वक्त है आपकी इसकी स्पेसिंग को समझने का, बहुत चीज़ें देख ली हमने इस गाड़ी की, इसमें देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें 5 लोग भी बैठ सकते हैं, 7 लोग का भी ऑप्शन मिलेगा, मेन फोकस रहेगा 3rd रो में जिसमें 2 लोगों के लिए स्पेस रखा गया है, देखने में ज़्यादा बड़ी सीटें नहीं लग रही लेकिन फिर भी लोग बैठ पा रहे हैं इसमें, ये वाली सीट आपको नॉर्मली जो हम इसके 5 सीटर वाले ऑप्शन में देखेंगे वो मिल जाती है। गाड़ी में ना बूट स्पेस सही दिख रहा है, अगर आप 5 सीटर मॉडल लेंगे तो यहाँ पर आपको 511 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा और इन 2 सीटों को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो करीब आपको 444 लीटर का बूट स्पेस जो कि क्रेटा सेल्टोस से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस गाड़ी की लंबाई क्रेटा सेल्टोस से कितनी आगे पीछे है वो जब फाइनल वैल्यू आएगी ना तब पता चलेगा, अभी सिर्फ 4.3 मीटर की वैल्यू आई हुई है, MM में कोई वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पर बैठ के देख लेते हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो इस हिसाब का आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखता है जो कि अच्छा लगता है लेकिन उतना कोई रिच नहीं फील कराएगा, मेन चीज़ है कि बजट को देख के बनाया गया है। कुछ आप देखेंगे पीछे के आपको सारे पावर विंडोज, इतना स्पेस, कोई भी ना AC वेंट नहीं दिख रहा ना आपको, तो यहाँ पर बेसिक AC वेंट मिलेगा। इसकी वर्किंग कैसी है, इस साइड से पैक्ड है, इस साइड से भी पैक्ड है, यहाँ पर इसके ब्लोअर के कंट्रोल दिए गए, लेकिन यहाँ पर इसका इंटेक सिस्टम है और यहीं से ये इसको एग्जिट करता है,
ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक फैन बेस्ड ब्लोअर सिस्टम रखा गया है, तो मेन जो वेपोरेटर है वो आगे ही कॉइल आपको मिलने वाली है, तो वो चीज़ है, फंक्शनिंग बेसिक है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग का पार्ट यहाँ पर रहेगा। एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप डोर को बंद करेंगे तो इतना आपको यहाँ पर क्लियरेंस मिलेगा, साइड में इतनी कुशनिंग रहती है, उसके अलावा यहाँ पर तीन लोगों के बैठने के लिए स्पेस है, बाकी बीच में भी देख रहे छोटा सा हेडरेस्ट वाली चीज़ वो इसमें मिल रही है। फाइव सीटर केवल मॉडल जो लेगा उसमें ये चीज़ मिस हो रही है, कहीं ना कहीं जो लेदरेट वाला ऑप्शन है वो थोड़ा कम मिलेगा आपको। लेग रूम ये है, सेंटर टनल आप देखेंगे और ये चीज़ आप पूरी नोटिस करेंगे। विंडो ग्लास एरिया थोड़ा कम लगेगा, बाकी सर भी आगे बैठे हुए तो हेडरूम आप उनका देख सकते हैं। मेरा अगर आप हेडरूम नोटिस करेंगे तो इस प्रकार का हेडरूम आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी की थर्ड रो के अंदर, और सबसे ज़्यादा एक मच अवेटेड चीज़ जो हर कोई चाह रहा था कि सीट ट्विन की तरफ से यहाँ पर कुछ मिले। अब इसको टंबल करने के लिए सिंपली आपको इसको पुश करना है और ये चीज़ पूरी पूरी टंबल हो जाती है। सिंपल फंक्शन रखा गया है, पूरा मैकेनिकल बेस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इसमें नहीं है। पीछे की ये सीट चल रहा है, तो ये पूरा पार्ट इसका पैसेज जो इंग्रेस के लिए आपको दिया गया है। पीछे चलना है तो यहाँ पर आपको सीटें हैं, और ये सीटों की खास बात है, एक तरीके से जैसे रेनो ट्राइवर में आपको मैजिक सीट मिलती थी, इन सीटों को आप हटा भी सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लगेज यहाँ पर कैरी करना है तो इन सीटों को आप एक तरीके से हटा दीजिए और यहीं से ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे इतना यहाँ पर स्पेस बन रहा है, आगे का पूरा कैबिन स्पेस आप देखेंगे, अपना जो हेडरूम है वो आप नोटिस करेंगे। लाइट के तौर पे सिंगल लाइट आपके सामने, छोटा सा आपको यहाँ पर विंडो पैनल मिलेगा जो कि आप देखेंगे प्लास्टिक की। ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सटेंडेड पार्शियल सेल्फ आप लगा सकते हैं, जो कि चीज़ आपके सामने पेश की गई है। और साथ में इस साइड देखेंगे एक और ग्लास आप देखेंगे, कंपनी सही यूज़ की गई सैंड ग्लोबिन के, यहाँ पर सारे के सारे ग्लासेस आपको मिलेंगे। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं तो सैंड ग्लोबिन के आपको सारे ग्लासेस मिलेंगे। मतलब मेन मुद्दा वाली बात ये है ना, ये जो मॉडल है सेवन सीटर, ये लगभग आपको सेम प्राइस जो क्रेटा मिल रही है फाइव सीटर, उसी प्राइस में आपको सेवन सीटर का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा इंजन थोड़ा छोटा है इसका, तो वो अलग चीज़ हो सकती है। 110 पीएस की पावर और 190 एनएम का टॉर्क वहीं पर डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिसको ज़्यादा पावर चाहिए वो अभी भी क्रेटा ही लेने वाला है। बाकी अंदर अगर बैठ भी जा रहे लोग तो उतना ज़्यादा कोई कम स्पेशियस नहीं लगेगा। और उसके अलावा थोड़ा सा आपको ये सीट अगर समझनी है किस हिसाब से क्या कुछ फोल्ड होती है, ये अपना पैसेज है। बाकी इस साइड भी बैठ जाओगे तो यहाँ पर देखो लेग रूम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो है, लेकिन फिर भी काम चलाओ वाली चीज़ जहाँ से बात आती है तो वहाँ पर है। और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 444 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। आप चलिए इसकी बाहर क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, बाकी यहाँ से देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस ये रहने वाला है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो गाड़ी सही है, ज़्यादा हाइट में नहीं रखा गया है चीज़ को, ज़्यादा घुटने आपके बैंड नहीं होते, लेकिन फिर भी बच्चों के बैठने के लिए स्पेस ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें, एसी का ब्लोअर सिर्फ आगे तक रखा गया है, यहाँ पर कोई भी एसी का ब्लोअर नहीं आता, लेकिन कप होल्डर वाला ऑप्शन है। अब देखिए दो लोगों को अगर आप चाहते हैं कि पीछे बैठेंगे कितना स्पेस होगा, तो उनके लिए इग्रेस के लिए ये स्पेस रहेगा। दो लोग अच्छा क्लियरेंस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि हमारी हाइट सर की हाइट जैसे 5.9 के आसपास है, मेरी 5.11 है, उसके हिसाब से इतना स्पेस आप मैनेज यहाँ पर कर पाएंगे। बाहर निकलने के लिए भी इजीली कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ यही है कि गाड़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन सारा एक मेन पॉइंट रहता है कि गाड़ी का किस हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइसिंग फिगर देखने को मिलेगा, जो 9 लाख से लेके 11 लाख के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। और साथ ही देखिए जो पीछे आपको वॉशर वाइपर डिफॉगर है, ये सारा कुछ ऑफर किया गया, शाफी एंटीना भी इसमें दिख रहा है, पर जो सनरूफ है ये मिस आउट रहने वाली है। ये थोड़ा सा यहाँ पर 3D एलिमेंट दिए गए पियानो एलिमेंट्स के साथ में। सिटी वन के ऊपर आप देख रहे हैं थोड़े से दो फॉन्ट आपको यहाँ पर डॉट मिल जाते हैं, और ये प्योर टक की बैजिंग आती है जो उसका टर्बो इंजन है। बाकी यहाँ पर देखिए जो सीट अगर आप यूज़ कर रहे हैं सेवन सीटर की तरह, तो आपको बहुत ही कम, लगभग 70-80 लीटर का ही बूट स्पेस मिलेगा। दो छोटे छोटे बैग आपके सामने उतना ही कुछ ऑप्शन दे पाएंगे, उसके अलावा ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये फैब्रिक सीटिंग है और इसको आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब देखिए अगर आप स्टोरेज की बात करेंगे तो आप सिर्फ अगर 5 सीटर मॉडल लेते हैं, जो कि 7 सीटर के मुकाबले 40 से लेकर 60,000 रुपये सस्ता रहने वाला है, तब आपको 5 सीटर में जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो रहेगा 5.11 लीटर का। और अगर आप बात करेंगे 7 सीटर में इन सीटों को फोल्ड करके, तो 4.44 लीटर का बूट स्पेस रहेगा। यह अभी ब्रोशर में मेंशन नहीं है, प्रेस रिलीज में है, लेकिन ब्रोशर में देखते हैं क्या चीज आपके सामने आती है। तो फिर ये कुछ आपने देख ली आपकी ऑल न्यू सीटिवन C3 एयरक्रॉस, इन सीटों को फोल्ड कर देंगे तो ये आपके सामने आती। अच्छा एक और चीज़ भैया, इन सीटों को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैं इन सीटों को चाहूँ तो घर में रख सकता हूँ, ऑफिस में रख सकता हूँ। और ये जो पूरा लगेज आप देख रहे हैं 511 लीटर की रेंज में आपको यहाँ पर। तो फिर ये रही आपकी ऑल न्यू सिटोविन C3 एयरक्रॉस, एक फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने पेश कर पाया है। इस गाड़ी को चला के एक बार देख लेंगे, उसके साथ ही गाड़ी प्रैक्टिकलिटी सेंस में अभी तो स्पेस सही दिखा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज जो लोगों को दिख रहा है वो है इसमें। मेन चीज़ है कि गाड़ी अगर बजट के साथ आती तो बहुत ही सही वैल्यू फॉर मनी डील आपके सामने हो सकती है। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो व्हाइट का ऑप्शन यहाँ शोकेस किया गया है, और व्हाइट के साथ आपको यहाँ पर एक ब्लू टोन का शेड मिलेगा, जो कि डुअल टोन के ऑप्शन दे रहा है आपको व्हाइट के साथ। तो ये रही फिर आपके सामने ऑल न्यू सिटोविन C3 एयरक्रॉस।
ये इसका कुछ कलर ऑप्शन और ये चीज़ें आप देख रहे हैं। इंजन अभी साउंड कर रहा है, जो एक इंजन स्टार्ट हो चुका है, तो ये इसके टर्बो की साउंड आपको मिलेगी। लगभग सिमिलर है C3 के हिसाब से ही, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेन कहानी थी कि आपके सामने सिटिवन ने एक C3 एयरक्रॉस के नाम की गाड़ी पेश करी, जो कि 7 सीटर में आ रही है, जो कि 5+2 है, यानी ये मोस्टली ये गाड़ी 5 सीटर की तरह इस्तेमाल की जाएगी और 2 सीटर एडिशनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ले सकते हैं। बाकी जिसको नॉर्मल काम करना है क्रेटा और सेल्टॉस की तरह ही, ये गाड़ी 5 सीटर की तरह भी खरीदी जा सकती है। सारे ऑप्शन आपके सामने मेरे पेश करा, बहुत जल्दी मैं एक अपडेट आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये आज सिटिवन का वर्ल्ड प्रीमियम रहा है अपनी C3 अपनी एयरक्रॉस को लेके। तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, बाकी बताइएगा कि ये गाड़ी आपको किस प्राइस में लेना पसंद करेंगे, और सेकंड हाफ ऑफ 2023 तक ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 6 महीने के अंदर ये गाड़ी आपको रोडों में दौड़ते हुए मिलेगी। अपने नियरेस्ट शोरूम में आप जाइए, एक तरीके से पूछ लीजिए गाड़ी कब आने वाली है। अभी यहाँ पर अब इनका डीलर इवेंट है, अपना जो मीडिया इवेंट है वो निपट चुका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक और 2-3 शॉट आपके सामने रखूँ, जिससे जो मेरे मन में है वो आपके सामने मैं रख पाऊँ। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।